But wait, संगीत की सेरेमनी से सिर्फ 1 आवर पहले ना मैंने अपना डांस प्रिपेयर किया एंड इट वाज रॉकिंग अमेजिंग. मेरे पास वीडियो भी है. हाँ, हम लोग सब साथ देखेंगे. वी'ल ऑल वॉच टुगेदर. ठीक है, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं प्ले सर्कल हूँ. ठीक है मानी, बोलिए. यहाँ नहीं, यहाँ बहुत शोर है, वहाँ चले. ओके. बोलिए ना अभी. वो क्या ना गौरी, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें अपने काम को लेकर या अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुल के बात करो. जी बिल्कुल करूँगी, लेकिन अभी एकदम से. वो क्या ना गौरी, मैं जितना भी तुम्हें जानता हूँ या फिर जितना भी तुम्हें जान पाया हूँ अब तक, तुम कुछ भी शेयर नहीं करती हो. तुम बहुत सारी चीजें अपने अंदर दबा कर रखती हो, उलझनों से खुद ही लड़ती रहती हो, किसी से कुछ शेयर ही नहीं करती. आई जस्ट वॉन्ट यू टू से कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो, तो मैं हूं, तुम मुझसे बात कर सकती हो. हमें पता है और हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सबके पास चले, वरना तुलेगा अपना डांस वीडियो बार बार रिवाइंड करके दिखाएगी. आई नो, बहुत टॉर्चर हो जाएगा ना. चलिए चलो. आई सी, यहां मैं अपने दिल की बात बताने की फाइट मार रहा हूं और ये अभिमन्यु गौरी को कोने में ले जाके अपना ही एंगल बना रहा है. इस अभिमन्यु की ना. काम डाउन शेफ, शांत, शांति के साथ शांत. ये टाइम गौरी की नजरों में ऊपर चढ़ने का है. अगर अभी हंगामा किया ना तो गौरी फिर से इरिटेट हो जाएगी. वैसे मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये पार्टी तुम लोगों ने मेरे लिए रखी. इट्स अ सरप्राइज यार, एंड आई जस्ट लव यू ऑल. आई लव यू टू. ओह गॉड, ये बलून्स, ये डेकोरेशंस, यू गाइस आर जस्ट द बेस्ट. जब संत ने मुझे बोला कि घर पे कोई नहीं है, तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं एम्प्टी घर में जा रही हूँ. वैसे ये प्लान था किसका? वेल, ये प्यारा सा आइडिया गौरी का था. गौरी का? थैंक यू सो मच गौरी. प्लान उसने किया पर साथ हमने दिया, तो हमें नहीं मिलेगा हग? ऑफ कोर्स संत, क्यों नहीं. ओके कम ऑन गाइस, अब हम लोग संगीत के वीडियोस देखेंगे. ठीक है, एक मिनट रुको. मुझे ना तुम लोग एक बात बताओ, ऐसे सोफे के पीछे छिपकर भी क्या किसी का जन्मदिन मनाया जाता है क्या? अरे भाभी, तभी तो सरप्राइज मिला तुलिका को. बाप रे, झूठ कहे तो कहो. अरे हम कभी अगर बाहर से घर में आए, बत्ती जलाए और चार लोग सोफे से निकलकर चिल्ला दे तो हमारा तो ना हाथ ही फेल हो जाए. अच्छा वैसे शिव कहाँ है? कुछ नहीं, वो ऊपर रूम में बोर्ड गेम्स पड़ी है तो वही लेने गया होगा. ठीक है, तो फिर हम लोग उसके आने का वेट करते हैं, उसके बाद ही वीडियो देखेंगे. ओके. वैसे कमला भाभी, ये आपके मिर्जापुर में बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हमारे यहाँ मिर्जापुर में? अरे हमारे यहाँ मिर्जापुर में तो सबसे पहले सुबह मंदिर जाओ, उसके बाद घर पर अच्छे अच्छे खाने बनाओ, हलवा पूरी खीर, और उसके बाद पंडित जी ना टीका लगाते हैं, उसके बाद बाकी सब लोग दही खिलाते हैं, उसके बाद ना सब लोग पैसे देते हैं. अभी किसका फोन है? हेलो. हेलो मिस्टर शिव, इरिस्पॉन्सिबिलिटी की हद होती है. आप प्लीज मिस गौरी को समझा दें कि इस तरह का अनप्रोफेशनल बिहेवियर हमारी कंपनी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी. अरे सीधा नो बोल दिया उन्होंने आज. इंडस्ट्री में इमेज की फिक्र करें आप दोनों लोग. दिस इज माय फ्रेंडली वार्निंग टू यू. सॉरी, मैं गौरी से बात करूंगा. थैंक यू. अरे यार क्या नई मुसीबत है, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है, दूसरी पहले आ जाती. अब क्या करूं, अपने दिल की बात बताऊं या ये खन्ना का लफड़ा सुलझाऊं? क्या करें, फिलहाल तो मुझे ये खन्ना एंड कंपनी के गुस्से को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहे थे. और इस टाइम गौरी को दिल की बात बताई तो मिर्ज़ापुर की पहली ट्रेन की टिकट कटवा लेगी. हाँ क्या करें. सिर्फ आओ जल्दी, सिर्फ वीडियो देख लो, आओ.
हाँ आ रहा हूँ। वैसे भी तुझे उस अभिमन्यु के साथ अकेले छोड़ने का कोई प्लान नहीं है मेरा,